एक बंदे से वो 1 रुपया ले रहे थे, वो 100 बंदों से 100 रुपये इकट्ठे हो गए। सो भाई, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे एक अनदर वीडियो के साथ। तो ये साल की एक ऐसी पहली वीडियो है जिसमें कि मैं थोड़ा सा मतलब थंबनेल देख के आप समझ गए मैं किस टाइप की वीडियो बना रहा हूँ। और देखो भाई, आजकल की दुनिया में ना मतलब इस प्रेजेंट टाइम में जॉब को लेकर हर कोई सिक्योर है भाई। जॉब कहीं पर है नहीं, चक्कर में कोई भी अगर छोटा मोटा काम कोई बताता ना तो वो हर कोई करने तैयार है। जस्ट लाइक अगर छोटी सी बात की, जैसे आपने देखा होगा कॉन्ट्रोवर्सी संदीप माहेश्वरी वर्सेज विवेक बंदा के बीच में, तो वो भैया MLM कंपनी के बारे में या कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, तो मतलब इतने ज़्यादा एग्जांपल्स हैं कि वो कोई भी घुमा फिरा कर आपको जॉब के बारे में बताना चाहें तो आप वहाँ पे एकदम से एग्री हो जाते हो। मतलब आप क्या, मैं भी अगर मुझे कोई कहेगा तो मैं भी एग्री जाऊँगा कि हाँ भाई छोटा सा काम है और मुझे जॉब मिल रही है। लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि वो जॉब नहीं है, वो स्कैम है। स्कैम का रूप एकदम से वो कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आपके पैसों के साथ खिलवाड़। अगर छोटा सा एग्जाम्पल लूँ कि एक कंपनी है, कंपनी ने बोला कि भाई साहब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आपको एक दिन में इसका 4 गुना मिल जाएगा। अब आप रेडी हो जाओगे क्योंकि आपको पता ही है मेरे को जॉब नहीं है, और हर कोई उस चीज़ को एकदम से स्टार्ट कर लेगा। बट मेन चीज़ आती है कि भाई उसमें बाद में चलता है कि वो हमारे साथ क्या चल रहा है। तो मतलब अब आपको तो लगा कि चलो ठीक है, कुछ लोग ये बोलते हैं चलो ठीक है 100-200 रुपये की वाली बात है तो भूल जाते हैं। बट सोच के देखो कि अगर वो लोग 100-200 के साथ ऐसा करें कितना पैसा उनके साथ इकट्ठा होता है। मतलब ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि एक बंदे से वो 1 रुपया ले रहे थे, वो 100 बंदों से 100 रुपये इकट्ठे हो गए, बट आपकी जेब से 1 रुपया गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही एक स्कैम की बात करने जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ अभी हुआ था जस्ट एक दिन पहले। और ये वीडियो बनाने से पहले कि भाई ने उस पर रिसर्च किया कि भाई ये चीज़ एक्चुअल है क्या, तो बाद में चल कि भाई इस टाइप के बंदे बैठे हो सकता है, इसके पीछे कितना बड़ा गेम हो सकता है वो मुझे नहीं पता। बट जो चीज़ रियलिटी मैंने देखी, एनालाइज करी उसके ऊपर, भाई मैं शॉक्ड हो गया। मतलब छोटा सिंपल था, मैं स्क्रॉल करता था इंस्टाग्राम रैंडमली जैसे लोग डेली करते हैं, उस पर ऐड आया वर्क फ्रॉम होम टाइप का, मैंने उसको भी करा, मैंने क्लिक किया, मैं देखते क्या होता है। तो देन उधर से एक मैसेज पिंग हुआ कि ठीक है स्टार्ट कीजिए, उन्होंने मुझे एक ऐप का लिंक भेजा, मैंने वो इंस्टॉल किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने मुझे ऐप का लिंक दिया, मैंने वो किया, डाउनलोड किया, ओके, उस पर आईडी रजिस्टर किया, सब कुछ करने के बाद एकदम से रेफरेंस करने पे मुझे 80 रुपीज़ मिले। मैं भी खुश कि भाई चलो ठीक है, एक सेकंड में मुझे 80 रुपये मिले। दैन मैंने उसको बोला उसमें कैसे कमाई हो सकती, तो उन्होंने एकदम से बोला कि एक मैं टास्क दे रही हूँ, टास्क करो और 40 रुपये लेंगे। फिर वो भी मैंने ये करा, फिर भाई 40 रुपये भी हो गए, 120 रुपीज़ हो गए। अब उसने बोला कि अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको थोड़ा सा और आपको टास्क देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, वो सही है, आप दे रहे हो वो अच्छी बात है, मुझे बेनिफिट मिल रहा है, मतलब पैसे मिल रहे हैं, बट वो निकलेगा कैसे? तो उन्होंने बोला कि अभी तो एकदम से ही निकलेगा, बट जब आप इसमें 200 रुपीज़ का रिचार्ज करेंगे तब इसमें मैं बताऊंगी कि आपको कैसे विड्रॉल करना है। अब सोच के देखो कि 120 रुपये तो वो हो गए जो मेरे को, मतलब मैंने एक सेकंड में कमाए, सेकंड लगा और मेरे को 80 रुपये रेफरेंस मिले और 40 रुपये टास्क कंप्लीट करने मिले। फिर उसने बोला 200 रुपये रिचार्ज करो, ठीक है मैंने एक बार को मेरे माइंड में आया कि चलो ठीक है 200 रुपये रिचार्ज मैं कर देता हूँ। लेकिन मैंने दिमाग लगाया अगर बाय चांस 200 रुपये रिचार्ज करने के बाद वो पैसा मेरे को नहीं निकाला, या फिर उसने बोला चलो ठीक है 200 रुपये रिचार्ज कर दिया आपने, 180 रुपये आपने कर दिए, मेरे को गलत वहीं पर घूमी 80 रुपये वाली पे, ठीक है 120 रुपये दे देगी और 80 रुपये फंस जाएंगे, फिर मेरे को 80 रुपये के लिए करना पड़ेगा। तब मैंने भाई उसको बोला कि नहीं, पहले आप मेरी हेल्प कीजिए कि 120 रुपीज़ को कैसे विड्रॉ करेंगे, अदरवाइज मैं इसमें 200 रुपीज़ का रिचार्ज नहीं कर। और देन उसके बाद उसने भैया वो उसके अलावा कुछ नहीं बोल रहे और अपने आप को लड़की बता रही है, जहाँ तक मैंने मतलब उसको देखा रिसर्च करके भाई लड़की के नाम पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, किसी के नाम पे है, और दूसरा वो सिर्फ व्हाट्सएप पे ही चैट हो रही है, ना कॉल पिक हो रही है ना वॉइस कॉल पे बात हो रही, कुछ नहीं हो रही है। तो भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वर्क फ्रॉम होम के नाम के जितने भी ऐड हैं, जितने भी एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, उन पे आप एकदम से ध्यान ना दो, और अगर दे भी रहे तो भाई प्लीज़ एनालाइज कर लो, क्योंकि देखो ये छोटा सा स्कैम है जो मेरे साथ होने से रह गया। क्योंकि अगर देखो मैं 200 रुपये से चार्ज करता हूँ, 200 रुपये तो मेरे जेब से निकल जाते, 120 चलो मैं मिल भी जाते वापस, लेकिन 80 रुपये तो मेरे जेब से फंसते। तो वाली चीज़ है भाई ये आपके साथ, मतलब ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ होगा मैं बता नहीं सकता, और अगर किसी के साथ हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताना। और दूसरा भाई ये वीडियो उनके साथ शेयर करो जो ऐसी चीज़ में फंस जाते हैं, भाई सबको शेयर करना जिससे कि वो पहले उससे सचेत हो जाए। तो फिलहाल आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही, ज़्यादा नहीं करूँगा, बस यही बैंड करूँगा जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ मैंने थोड़ा शेयर करना चाहा। चलो ठीक है फिर भाई, प्लीज़ थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद ही थोड़ा जॉब करो, बाकी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं भाई, फोकस करो अपने गेम पे, बस अचीव कर पाओगे। ओके।